हेलो एवरीवन, और स्वागत है सभी का नेशनल स्टेटिक ऑन रिटेन। और अभी मैं हूँ मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे, और यहाँ से हम लोग आज का ट्रेन जो कि घूमने जा रहा है 12933 मुंबई सेंट्रल टू अहमदाबाद कर्णावती एक्सप्रेस। और आप लोग देख सकते हैं ये है हम हालात ऑलरेडी बदली हुई है। तो और चलिए हम लोग जल्दी से पहले ट्रेन के अंदर जाते हैं, अपने सीट पर बैठते हैं, क्योंकि ट्रेन का फंडे का भी टाइम हो चुका है। और फिर उसके बाद मेरे ट्रेन बैठे को सीट करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसे हम बताते हैं कि आज का जो हम लोग का ट्रेन जर्नी है वो होने जा रहा है 12933 कर्णावती एक्सप्रेस, जो कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में चलती है। और ये देख सकते हैं ये ट्रेन में जो है आपको दो टाइप के कोचेज खेल रहते हैं। एक जो है आपको ये एसी चेयर कार के कोचेज है, और जो दूसरे कोच है जो है आपके 2S यानी कि जनरल कोचेज। और इसका जो प्राइस है आपको मुंबई टू अहमदाबाद जो सबसे सस्ता है आपको केवल 200 रुपये में आपको मुंबई से अहमदाबाद का आपको ट्रेन जर्नी मिल जाता है। और आपको काफ़ी ये आपको दोपहर में मुंबई से 2 बजे चलती है, और फिर जो है आपको ये आपको अहमदाबाद रात में 9 बजे पहुँचा देगी। तो अभी चलिए हम लोग जल्द से चलते हैं अपने कोच में, जो कि आज हम लोग करने जा रहे हैं 2S में ट्रैवल। तो हम लोग चलते हैं, और इसमें एक पैंट्री कार भी है, तो हम लोग आपको उसका भी फूड रिव्यू देंगे इस पूरे वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग का आ चुका है ये 2S कोच, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो आपको सीट्स है, ऐसे तो आपको इसमें में सीटिंग वाले चेयर कार चेयर कार वाले चेयर वाले भी सीट्स मिलते हैं, बट कुछ कोचेज में वो चेयर वाले सीट्स है, कुछ में आपको ये जो जनरल स्लीपर वाले कोचेज रहते हैं वो मिल जाते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका कुछ कोच आपका कुछ इस टाइप का रहता है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर आपको ये आपको जो स्लीपर टाइप के जो जनरल वाले कोचेस रहते हैं जो कि पूरा एक अटैच रहते हैं वो है, ऊपर में आपको यहाँ पर सामान रखने का दिया हुआ है, और नीचे में आपको यहाँ पर बोतल होल्डर्स भी दिए हुए हैं, ये अच्छा बात है। और यहाँ पर साथ में आपको अभी देख सकते टाइम हो रहा है 1:51, और थोड़ी देर में यहाँ से हम लोग आज का ट्रेन जर्नी शुरू होगा जो कि 2 बजे शुरू होगा। और साइड में चलिए आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पर आपको साइड में जो बाहर से जो है ये देख सकते हैं यहाँ आपको मुंबई टू अहमदाबाद डबल टेकर भी लगी हुई है। तो कभी जब मौका मिलेगा तो इसका भी आप लोग के लिए ब्लॉग लेके आएंगे। तो खैर अभी बस हम लोग अपने सीट पे बैठते हैं, और यह ट्रेन यहाँ से मुंबई सेंट्रल से खुलने का वेट करते हैं। और ऐसे में आप लोग बता दो कि यहाँ से जो है उतने पैसेंजर जो है चढ़ते नहीं हैं, और अभी जब ट्रेन खुलती है तो फिर उसके बाद आप लोग को जो है इस ट्रेन जर्नी का इस ट्रेन रूट का जो है इस पर्टिकुलर इस ट्रेन का बाकी सारी डिटेल्स भी आपको देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस 2:06 हो रहा है, और ट्रेन बिल्कुल ही एग्जैक्टली राइट टाइम पर खुल चुकी है मुंबई सेंट्रल से। और यहाँ से खुलने के बाद अभी आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पर उतना मुंबई सेंट्रल से यहाँ पर ज़्यादा भीड़ चढ़ती नहीं है, ज़्यादा आपको इसका अगले स्टॉपेज चढ़ेगी जो कि है बोरीवली स्टेशन। तो अभी थोड़ी देर बाद बोरीवली आएगी, और यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई आए और मुंबई लोकल ना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लोग को अभी बीच रास्ते में काफ़ी सारी मुंबई लोकल दिखी थी वापसी तक। तो चलिए बैठते हैं, मैं आपको क्या बोलते हैं इधर वो डबल डेकर भी लगी हुई थी बस बैठते हैं, और अभी फादर जो है कुछ खाते पीते रहेंगे तो आपको इसका रिव्यू देते रहेंगे। ट्रेन का जो पैंट्री कार का है अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये स्टेशन है इसका पहला स्टॉपेज, और जो कि है बोरीवली। और यहाँ से अभी जस्ट जो है ट्रेन खुला है, और देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी पैसेंजर चढ़े, जैसे कि हम पहले ही बताते हैं कि इस स्टेशन से काफ़ी पैसेंजर चढ़ते हैं। तो
तो अभी हम लोग आराम से बैठते हैं और आप लोग को आग का पूरा व्यूज दिखाते हैं। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:30 और अभी हम लोग जो रुके हुए हैं वो रुके हुए हैं बारूद जंक्शन पे, और ट्रेन जो है अभी करीब करीब आधा घंटा का डिले से चल रहा है। और यहाँ से बता दूँ कि यहाँ से काफ़ी सारे जो लोकल पैसेंजर्स है जो डेली वडोदरा बारूद वडोदरा और अहमदाबाद के बीच ट्रैवल करते वो चढ़ते हैं। तो अभी पूरा पैक्ड है, अभी आप लोग को अंदर उसका पूरा दिखाते हैं कि कैसे है अंदर का पूरा व्यू। तो गाइस जैसा कि आप लोग बताया था कि अभी हम लोग जस्ट जो है बारूद जंक्शन से यहाँ से हम लोग का ट्रेन खुल गया है, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जो हम लोग कोच है पूरा पैक्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोकल पैसेंजर्स है वो चढ़ गए हैं। और यहाँ से जो है अब हम लोग का अगला स्टॉपेज जो होगा वो है वडोदरा, और यहाँ से और अहमदाबाद के बीच लगभग 2 घंटा का जर्नी बाकी है। तो बट यहाँ इसके बीच में काफ़ी सारे स्टॉपेजेस है, जैसे कि आनंद जंक्शन, नदिया जंक्शन, मानी नगर और फिर फाइनली अहमदाबाद। तो काफ़ी सारे स्टॉपेजेस है ये दो वडोदरा और अहमदाबाद के बीच में इस ट्रेन के, जो कि ये यहाँ पूरा ये लोकल लोकल बन जाता है। बट फिर भी अगर मैं बात करूँ हम लोग का इस टोटल जर्नी का कि हम लोग कैसा रहा एक्सपीरियंस, तो 200 रुपये में आप लोग अहमदाबाद से मुंबई या मुंबई से अहमदाबाद पहुँचा सकते हैं,
और सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ट्रेन जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। तो अभी जब हम लोग आगे अब अहमदाबाद पहुंचते हैं तो फिर आप लोग से आगे बात करते हैं, क्योंकि आप लोग को इस रूट का काफ़ी सारी वीडियोज में आप लोग बाहर का व्यूज देखे होंगे। तो चलिए अब आप लोग से डायरेक्ट मिलता हूँ मैं आपसे अहमदाबाद जंक्शन पे। ऐसे तो आप लोग को ये भी बता दूं कि अभी तो जो हम लोग ट्रैवल किए जिसमें उसमें आपको रिवर्सल सीट्स था, बट इसमें आपको ये इस टाइप के भी सीट्स अवेलेबल है। कुछ कुछ में ये सीट्स अवेलेबल रहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चेयर का वाला सीट्स है, बट इसका भी तो एडमिशन ठीक नहीं है। और ये थोड़ा सा नया टाइप का कुछ कंपेयर टू वर्ल्ड जो वर्ल्ड टाइप का कुछ है। तो ये बस आप लोग को दिखाना था एक लास्ट क्लिप। और इसी के साथ जो है हम लोग पहुँच चुके हैं अहमदाबाद जंक्शन, और अब हम लोग का ये जर्नी यहाँ पर एंड होता है। जर्नी ठीक था, मज़ा आया, और अब हम लोग फिर जाके रेस्ट करते हैं। और फिर कल सुबह में होगा हम लोग का जो वेरी स्पेशल जर्नी, द हेरिटेज स्पेशल। तो इसी के साथ जो है हम लोग ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, और फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में नए जर्नीस नए लोकेशंस के साथ। तकलीफ बाय बाय स्टेशन रेलियो डाटा।